हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक है। वेल, आज नया दिन है, नई व्लॉग की शुरुआत करते हैं आज। कल जो मैंने आपको दिखाया था वो उमरांसो का व्लॉग, तो एक्चुअली हम लोगों को जाना था फिर वापस दीफू, लेकिन हो नहीं पाया। रात बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेट हो गया था, रात हो गया था, अंधेरा हो गया था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर रह ले। तो इसलिए रोमित और मैं यहाँ पर रह गया उमरांसो में। तो इट्स अ सनी डे, इट्स अ ब्राइट मॉर्निंग आउट हियर इन उमरांसो एंड द एयर इज सो रिफ्रेशिंग एंड इट्स सो सूथिंग। तो रोमित भी अपने बाइक के साथ। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसा लगा कल रात? अच्छा लगा, नींद पूरी हुई। आज हम लोग फिर से जर्नी करने वाला है, तो देखते रहिए, आप लोग चैनल पे बने रहिए। तो गाइस, कल मैंने सोचा था कि कल का जो व्लॉग था वो वहाँ पर ही एंड हो जाएगा उमरांसो का, लेकिन फिर कंटिन्यू होने वाला है। कल शाम का सीन था, अभी मॉर्निंग हो गया, सुबह सुबह पूरी मतलब सुंदर सा मॉर्निंग है। तो मैं आपको फिर दिखाना चाहता हूँ उमरांसो गोल्फ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर फैल्कन फेस्टिवल होने वाला है, तो हम लोग एंट्री होने वाला ही है। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, फ्री है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलते हैं वहाँ पर और दिखाते रहेंगे आपको। स्टे ट्यून्ड। लोग आ गए हैं गोल्फ कोर्स में। तो ये लोकेशन है जहाँ पर मेन फेस्टिवल होगा। ऐसा कुछ नज़ारा है, देखो। तो जहाँ पर मेन लोकेशन है, स्टेज, कैंप साइट, मैं सब दिखाऊंगा आपको, बने रहिए मेरे चैनल में। कल मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था कुछ ऐसा सीन यहाँ के, लेकिन फिर आज दिखा रहा हूँ। तो ये रहे उमरांसो के गोल्फ कोर्स, और वहाँ पर है एक हेलीपैड। तो वहाँ पर हेलीपैड है, पता नहीं आपको दिखाई दे रहे कि नहीं, वो जो वाइट कलर की मार्किंग है ना, वहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर मैं उतर गया हूँ और यहाँ पे बेंच लगे हुए हैं, तो चलो वहाँ पर बैठ के नज़ारा को महसूस करते हैं। ब्यूटिफुल उमरांसो, यहाँ पे बैठ के आप खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं, स्पेशली इन द इवनिंग टाइम। कल यहाँ पर बहुत मज़ा आया था, लेकिन आज मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ अकेला, रोमित भी मेरे साथ है। तो कुछ ऐसा है, देखो दूर से मुझे दिखाई दे रहा है वहाँ पे मेन स्टेज होने वाला है। यहाँ पर कैफेज, कैंप साइट, फिर खाने का, फिर म्यूज़िक, डांस, स्टॉल्स, सब लगने वाले हैं यहाँ पर। रोमित, कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? यहाँ से अगर बैठ के देखना हो तो इतना मजा है, लेकिन पानी होना चाहिए था। आई थिंक मेरे हिसाब से तो अभी देखने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब एक खुले से मैदान है और जस्ट प्रिपरेशन चल रहा है। तो हम लोगों ने कल देख लिया, तो कल या परसों ठीक हो गया यहाँ पे। तो कल हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया, तो इसलिए मुझे जाने का भी मन नहीं है वहाँ पर। सो गाइस, ये जो मेरे पीछे आप गेट देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये हमारे ट्रेडिशनल गेट है, दिमासा लैंग्वेज में इसको बोलते हैं फंक्सला, एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। सो मैं आपको दिखाऊंगा, लेट मी शो यू अराउंड दिस ब्यूटीफुल गेट फंक्सला। तो ऑलराइट गाइस, मैं अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो हम लोगों का प्लान है कि हम लोग जाएंगे गुंजुंग की ओर, गुंजुंग से हफलंग होके, मायबंग होके, फिर दीफू निकल जाएंगे। सो स्टिक अराउंड गाइस, मिलते हैं। हम लोग यहाँ पे एक अननोन जगह पे रुके हैं, देखो ये कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा। राइड करते करते हम लोग रुक गए हैं इस नज़ारे को देखने के लिए।
तो वहाँ से चल के आए थे हम लोग, वो है उमरांगसो डालमिया से, मैं देख रहे हैं ना वो छोटे से दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे, उमरांगसो नीचे रह गए हैं। Isn't it gorgeous? सुंदर है ना। तो यहाँ पे बहुत शांत है, मेरी फीलिंग जो है तो शोर शराबे से बहुत दूर आके इट्स सो पीसफुल। द सन इज अप हाई वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई कैन हियर द बर्ड चिरपिंग अराउंड। महसूस कर रहा हूँ ये फ्रेश एयर, क्लीन एयर। वाह, कोई गाड़ी यहाँ पे नहीं चल रही है, कोई लोग नहीं यहाँ पे, बस नेचर ही नेचर है, बस रुके हैं और क्या है। हाँ, मज़ा आ गया। वेलकम टू तुजोंते, ये अननोन विलेज है, एक छोटा सा गांव है यहाँ पर, बहुत ही क्लीन है, फ्रेश है, तो मैंने सोचा कि यहाँ का भी थोड़ा सा दृश्य आपको दिखाए। बहुत साइलेंट है, पीसफुल है ये गांव। तो ये जो फ्लावर्स से देख रहे हैं ना, ये फूल काफ़ी ब्राइट है, देखो कलर, इट्स सो 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 ब्राइट, आई जस्ट लव द कलर, एंड दिस इज़ लुकिंग रियली गुड विद दिस ब्लू एंड विद दिस यू नो डीप रेड। पता नहीं इस कलर को मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, रेड एंड पिंक कम्बिनेशन में है, और बहुत सारे रास्ते में हम लोग को ऐसे देखने ही मिले। बहुत ही कॉमन फ्लावर है यहाँ पे, देखो देखो ये कितना ब्राइट है, दिस फ्लावर इज़ रियली रियली ब्यूटिफुल। तो कुछ ऐसा है गाँव, जस्ट हम लोग यहाँ पे स्टॉप ले रहे, तो रास्ते रास्ते जब हम लोग राइड कर रहे तो हम लोग को मज़ा आता है यहाँ पे रास्ते में रुकना, फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना। तो गांव का नाम ये है, यहाँ पर लिखा है वेलकम टू तुजोंते, तो संगबार एरिया में पड़ता है ये, उमरांगसो पुलिस स्टेशन डिमासाओ। दो और भी दिखाते रहेंगे, स्टे ट्यून। चलिए दोस्तों, अभी फिर सफ़र को जारी रखते हैं, और जितने भी रास्ते आप लोगों ने देखे वो बहुत ही स्मूथ है, लेकिन अभी यहाँ से कुछ ऐसे स्ट्रेचेस होंगे, आई थिंक लगभग 2-3 किलोमीटर्स तो हम लोगों को ऐसे पे राइड करना पड़ेगा हमारे धन्नों के साथ। सो लेट्स हिट द रोड अगेन। राइड करते करते हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, दिस प्लेस इज कॉल दिहांगी, और देखो कितना सुंदर नदी बह रही है, देखो पूरा ब्लू और ग्रीन भी कह सकते हैं, खुले आसमान, और ये देखो नदी कितना सुंदर लग रहा है, द लैंडस्केप इज आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे लंबा सा ब्रिज है, और देखो ये पूरा पहाड़ है, और देखो, तो बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग जस्ट यहाँ पे स्टॉप ले रहे कुछ ऐसे फ़ोटो खींचने के लिए और आपको दिखाने के लिए ये व्यू। Guys, check this out. Isn't it beautiful? Wow. तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना सुंदर नदी है, देखो पूरा ग्रीनिश कलर है यहाँ पर, देखो द लैंडस्केप इज आउटस्टैंडिंग, क्या दिस इज सो क्रेजी गाइस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देखो ये देखो पानी पूरा ग्रीनिश कलर है, पूरा माउंटेन्स, क्लियर ब्लू स्काइज, और मैं क्या कहूँ, ये सब व्यू देखे तो यार मन को बहुत ही शांति मिलती है और बहुत खुश हो जाते हैं। देखो मेरे चेहरे पे आप देख रहे हो ना स्माइल, कितना खूबसूरत है यार, मैं तो देख के पागल हो गया हूँ।
तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी गुंजुंग व्यू पॉइंट में। अब देख सकते हैं यहाँ पे गुंजुंग व्यू पॉइंट है। सो मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू पॉइंट है यहाँ पे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसा व्यू दिखता है यहाँ से। सो लेट मी शो यू अराउंड दिस ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम दिस गुंजुंग व्यू पॉइंट। वाओ, लुक एट दिस, दिस इज सच अ गॉर्जियस व्यू पॉइंट। आई थिंक मेरे हिसाब से ये अर्ली मॉर्निंग नहीं तो सनसेट का टाइम पे बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि अभी तो पूरा धुंधला सा है, फोगी सा है। तो ऐसे मेरी आंखों से तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं आप लोगों को कैमरा में जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है। वहाँ पर देखो एक छोटी सी नदी बह रही है और बहुत सारी ग्रीनरी यहाँ पे। ये जो व्यू पॉइंट है जिस रास्ते में बना है, जहाँ पर आप स्टॉप ले सकते हैं यहाँ पे पिट स्टॉप जैसे, और आप यहाँ पर ऊपर भी जा सकते हैं। ऊपर पे कुछ ऐसे बेंचेस लगे हैं जहाँ पर आप मज़े से बैठ के देख सकते हैं इस खूबसूरत नज़ारे को। देखो देखो गाइस, अभी हम लोग आ पहुँचे हैं गुंजुंग टी गार्डन, और ये पहाड़ों में हिली सा एक टी गार्डन है जैसे कि आप देख सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी गेट बंद है, देखो गेट बंद नहीं है, मैं जा सकता हूँ। चलो चलो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ गुंजुंग का टी गार्डन, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देखो आई एम लविंग इट। सो काफ़ी ज़्यादा जगह हम लोग ने एक्सप्लोर करी, अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए तो, पूरे नया है ये जगह दिमाहासाओं में। पहले मैंने एक्सप्लोर किया था हाफ लॉन्ग, माईबंग, टुमजांग, इस तरह मैं कभी आया नहीं। तो मैं अभी जाके दिखाऊंगा कि यहाँ पे टी गार्डन का नज़ारा कैसा होता है। तो मैं वॉक करके दिखाता हूँ टी गार्डन। अभी मैं आ गया हूँ पूरे टी गार्डन के बीच में, और मैं चल रहा हूँ इन द मिडल ऑफ दिस टी गार्डन, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहे मुझे तो। सो आप देखिए, देखो टी गार्डन, इट्स ब्यूटीफुल। ओ वाओ, तो कुछ ऐसे पहाड़ वाले जो टी गार्डन है मैंने देखा है दार्जिलिंग में, तो कुछ सिमिलर टाइप का लैंडस्केप है। देखो दिस इज़ अमेजिंग गाइस, आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस इज़ gorgeous tea garden of Gunjung। स्टैचू जो बहुत फेमस है यहाँ पर, लैंडमार्क जैसे है, ये तो देखना ही पड़ेगा आपको। देखो कितना कलरफुल पेंटिंग है, दिमासा पेंटिंग। हैट्स ऑफ टू लोकेशन बोलो यार, वो बहुत ही डिटेलिंग अच्छी है। बहुत है रंग बिरंगे कलरफुल पेंटिंग। देखो सब ट्राइब के अपने अपने कपड़े और आइडेंटिटी यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। हम लोगों को इस तरफ जाना पड़ेगा। तो गाइस
वेलकम टू हाफला। तो आप लोग गैस कर रहे होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ एग्जैक्टली। वेल देखो कितना खूबसूरत, दिस इज़ कॉल्ड गोल्डन इवनिंग। देखो मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो ना, ये पूरा गोल्डन, ये सनसेट ऑलरेडी जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पे हुआ था। एंड यू कैन जस्ट सी दिस मेसमराइजिंग गोल्डन माउंटेन्स। आई मीन लाइक मेरी आंखों से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा देख रहे हैं, पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं। तो एक्चुअली मैं अभी यहाँ पर बैठ के कॉफ़ी पी रहा हूँ। आई मीन रिसाइकल कैफ़े है, बहुत ही मतलब अच्छा यहाँ पे, मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आने के लिए। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है एक्चुअली। मेरा जो यहाँ पर रिलेटिव्स है, मतलब आजू एंडी, आई मीन डेबी ठाकमौसा। हेलो, व्हाट्स अप गाइस। तो बहुत दिन के बाद हम लोग मिले हैं ना। इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 2 इयर्स। जब हम लोग मिले थे तो कहाँ पर था वो बेंडो बाइकले वाले? हम लोग ने लास्ट जब हमारा जो मीटिंग था वो बेंडो बाइकले का ट्रैकिंग था, और वहाँ के बाद हम लोग मिले नहीं। फोन में तो बातों होते रहते, लेकिन फिजिकली आज मिला आफ्टर 2 इयर्स, आई थिंक 2 साल के बाद। जी, बहुत ही प्यारा सा लोकेशन है, फिर अमेजिंग व्यू, और मैं दिखाऊंगा। आइए, अगर आप लोग नहीं आया कभी मेरा कैफे में, तो दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन इज एट जटिंगा। दिस प्लेस नेम कॉल इज बर्ड वॉशिंग सेंटर। ऑन दिस बर्ड वॉशिंग सेंटर I run small cafe called Recycle Cafe. This is a government property. This property belong to Assam Forest Department. But मैंने इसको लीज में लिया, देन उसके बाद मैंने अपना कैफे खोला। ये हाफलोंग और जटिंगा का डिस्टेंस जो है 8 किलोमीटर का डिस्टेंस में। अगर आप चिलचर में जा रहे हो तो फिर भी चिलचर जो डायवर्शन वहाँ से लगभग 600 मीटर का डिस्टेंस में। अगर हाफलोंग आ रहे तो डोंट मिस आउट दिस प्लेस। एग्जैक्टली, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। नो यू वॉन्ट रिग्रेट एक्चुअली, लाइक बहुत ही प्यारा व्यू है और बहुत सिक्लूडेड जगह पे। हाफलोंग टाउन में तो बहुत शोर शराबा मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही मतलब शांत है, काम है। और ये देखो यहाँ पर डॉगी भी है। तो कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपको।